झारखंड के गार्डन लेटरहाट में आपका स्वागत है। ये वाला मेरा ब्लॉग है, पिछले वाले ब्लॉग का कंटिन्यूशन है अगर आपने वो देख रखा होगा तो। और मेरे पिछले वाले ब्लॉग में कॉपीराइट आ गया, मैंने दो बार उसको अच्छे से एडिट करके डाला, रिपोस्ट किया, बट फिर भी तो अभी हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। वी आर इन लेटरहाट, इसका ब्यूटी वर्ड्स में नहीं बोल सकते, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मॉर्निंग डियर सब्सक्राइबर्स, तो हम लोग रात में लेट से आए और सो गए, बैटरी पूरा डेड हो गया था। एक्चुअली घर से निकलने के टाइम पे हम लोग चार्ज करना भूल गए थे, इसलिए बहुत सारा चीज़ जो शूट नहीं कर पाए। और घर आने के बाद सो गए, अभी 5:30 बजे उठ गए और हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। एंड ऑब्वियसली आई एम द ऑडियंस। यहाँ के बाद हम चले गए सीधे फ्रूट जूस पीने के लिए। ये पीपल एंड हैप्पी दशहरा, आज अष्टमी है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ अच्छा जगह जाने का। ऑलरेडी दोपहर का 3 बज चुका है और हम लोग बहुत लेट से निकले हैं। तो यहाँ एक सामने में फॉल है, 30 किलोमीटर है यहाँ से, रिमिक्स फॉल। आप में से बहुतों को पता होगा या नहीं पता होगा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो कितना सुंदर है या कैसा है। ये रहा हमारा वाहन, रेडी है जाने के लिए, सेक्सी सा 500 cc का बुलेट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं रिमिक्स फॉल। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, तमाड़ है ना, उसका इंटीरियर एरियाज है ये वाला। वी आर ऑलमोस्ट हियर, बस हम 2 किलोमीटर बस ये बालू में बाइक चलाए जा रहे हैं। फाइनली गाइस, वी आर, मेरे बाल को क्या हो गया, उड़ गया पूरी तरह से। और हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुकून देने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा काम और आप यहाँ के मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत शांति। और यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे को ऐसे एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। और ये पूरा इतना बड़ा एरिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पहुँच के मैंने उठाए 3 पत्थर और सीधे पानी में फेंके। मम्मी बोलती है ना, नए जगहों पर जाने से पत्थर फेंकना पानी में तो भूत नहीं पकड़ेगा। देखिए यहाँ का सीन इस तरह का है, पहाड़, हमारा बुलेट, यहाँ पे पानी, पहाड़। लिटरली 15 मिनट तो मैं जाके बस ऐसे खड़े हो गई थी, इतना पीस है ना यहाँ पे। उसके बाद हम वापस जा रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे तक हमें जाना है एक फैक्ट्री में, वहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं सस्ते दामों पर, तो हमें वहाँ पे भी टाइम पे पहुँचना है। सो जल्दी जल्दी फोटोज़ वगैरह लेके, वीडियोज़ वगैरह लेके हम वापस जा रहे हैं। भाई कैसा लगा जगह? मस्त लगा। सुनो बोल रहे, लो ना। आंटी को बोलो, हमको नहीं आता, हम नहीं ले रहे। चलो, अभी हमको बोल रहा था ना ब्लॉगिंग में कुछ नहीं साथ देंगे। लो, लो, लो। चल चलो चलो, टाइम हो गया। दिस प्लेस, वीडियो में आई डोंट नो इतना जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं, ये इतना वाव प्लेस नहीं था, बट जब आप यहाँ पे आओगे ना अपनी आंखों से, और यहाँ पे जो इतना पीस था सराउंडिंग में, दिस इज व्हाट यू गेट हियर। तो दिस वाज रियली अ गुड प्लेस टू विजिट। एंड देन गांव के छोटे रास्ते से होते हुए हमने पकड़ा तैमरा घाटी वाला रोड और फिर हम चले गए फैक्ट्री। यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट था। ये फैक्ट्री जस्ट मेन रोड के बगल में है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं क्योंकि सीधे कपड़े जो है वो फैक्ट्री में बन के सीधे आप तक पहुँच जा रहे हैं, तो प्राइस जो है बहुत नीचे हो जाता है। क्वालिटी का बात करें तो बहुत ब्रांडेड नहीं है, बट इट वॉज़ गुड। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। गाइस, हम लोग राजदरबार गए थे पर वहाँ पे नॉन वेज का आइटम नहीं मिल रहा है। और फिर हम लोग कहाँ गए थे भाई? अभी अरवन ना, अरवन पंचवटी गए थे, पर पंचवटी में अभी नॉन वेज नहीं मिलेगा, तो हम लोग को नॉन वेज ही खाना था और सूप भी पीना था। तो हम लोग आ गए, ये वाले होटल का नाम क्या है, पिकनिक भाई है खाने के लिए, आनंद मुस्तान। और बाहर में भी बैठने का पूरा व्यवस्था किया हुआ है, बट ठंड है इसलिए हम लोग अंदर बैठना चूज़ किए। और सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरा हाथ पूरा ठंडा हो गया। तो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं अपना फूड। ठंडा में चाय से बेस्ट कुछ नहीं होता, यही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात है कि कुल्लड़ वाली चाय, गर्मा गर्म चाय। तो हे गाइस, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे कुछ लोग हमको देख के हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें ही पता है क्यों? इसी में रिफिल करके दे रहे हैं। चाय ऐसा होता है? ये कितना रुपए का चाय है वैसे? 50 रुपए का चाय?
हे गाइस, मेरा सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया क्योंकि इनको ट्रीट हम ही दे रहे हैं। ठीक है, अपना अपना चाय का पैसा दे देना। बहुत पैसा है मेरे पास, तुम वो भी खरीद लेना। हां हे गाइस, ये हमारे साथ एक पागल भी है, आपको आवाज सुनाई दे ही रहा होगा। रिफिल करवा दोगे क्या इसमें? मत करो, बंद करो वीडियो। बहुत ऑकवर्ड तुम लगती है, तुम कंफर्टेबल ही नहीं है कैमरा के साथ। कैसे तुम करती है? तुम बहुत कंफर्टेबल रहते हो। हाँ, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि कैमरा चल रहा है। वैसे होता है, तुमको भी नहीं लगना चाहिए कैमरा चल रहा है। तो आंख बना बना के बोलती है। जी जी जी। तो गाइस, आप सुन रहे हो मेरा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हम कितना ज्यादा मेहनत करते हैं अपना वीडियो के लिए। हे गाइस, हम लोग को दशहरा के लिए 5,000 रुपया, हमको मिला था 4,000 रुपया। तो अभी मेरे भाई को और पैसा चाहिए, लड़ाई कर रहा है मेरे साथ। देखिए इस जानवर का असली रूप। पैसा के लिए भाई बहन से लड़ाई कर रहा है। देखिए पैसा कैसे इंसान को बर्बाद कर चुका है, खोखला कर चुका है अंदर से। देखिए, इतना बोलने के बाद भी इसे पैसा चाहिए। ए भगवान, मत कर दीदी, मत कर, छोड़ देंगे इसको यहाँ। सुबह दे दूँगा अच्छा ना। चना सत्तू पानी पीते हैं डेली सुबह। कल से ठूस ठूस के पूरा तो मोमोस खाया। कल तुम लोग आया था बोल के हम खाए हैं। हम तो जब देखते हैं बोलता कि बाजार गए हैं। भैया चिकन फ्राई दीजिएगा तो, भैया चिकन चाउमीन दीजिएगा तो। डेली सुबह को यहाँ सूर्य मंदिर आता है। पैदल? हाँ पैदल आता है। सोते रहो तुम, सच बोल रहे हैं? फिर यहाँ से तुम मैदान जाते हो। तुम सच सच बताओ, कितना घूस मिला तुमको? हियर कम्स आवर चिकन चिल्ली। इतना ज्यादा गर्म है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी ट्रेन दिखा के लिए छूट गई है। रांची स्टेशन से थी और हम बुंडू से 4:30 बजे निकले। 5:17 में पहुंचे, 5:15 में वंदे भारत निकल गई। मेरे को पता नहीं, हम 5 मिनट ऐसे सुन पड़े हुए थे वहाँ पे, बट देन आई रियलाइज कि वो टाटा में भी रुकेगी 8:40 में। तो अभी 6:01 हो रहा है, हम पेट्रोल डाल लिए, अभी हम रामपुर में हैं। कोशिश करते हैं 2 घंटा में पहुंचने से। यहाँ से जाएंगे टाटा वाले सीधा रोड में जाएंगे, चांडिल होते हुए, कांडरा नहीं घुसेंगे, शायद उधर से लंबा पड़ जाए। तो लेट्स सी, कोशिश करके देखते हैं, नहीं होगा तो ठीक है, नहीं जाएंगे। जमशेदपुर यहाँ से 115 किलोमीटर दिखा रहा है, तो पर आवर मेरे को 55 किलोमीटर्स पर आवर करेंगे तो शायद पहुँच जाएँ। मेरा हाथ पूरा सुन हो गया है और हम नहीं पहुंच पाए टाइम पे, नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि 20 मिनट में हम 20 किलोमीटर बहुत मुश्किल से पहुंच रहे, तो नहीं हो पाया। जिंदगी में कोई भी टेंशन हो गाइस, सबसे पहले चाय पीना चाहिए, उसके बाद ही टेंशन का सलूशन निकले। काश मेरे को बाइक चलाने आता, बुलेट से उड़ उड़ के जाते। स्कूटी है, पूरा फुल स्पीड में थे, फिर भी नहीं हो पाएगा। इट्स ओके, अभी हम फिलहाल चाय पीते हैं, फिर घर जाते हैं। क्योंकि मैं दीघा नहीं जा पाई, मैं घर में फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा ये सुंदर सा सन टेम्पल विजिट कर लूं, जो कि बुंडू रांची के रास्ते में पड़ता है। यहाँ के बाद हम गए नारियल पानी पीने, एंड देन दैट्स इट। मेरा आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। And that's all. Thank you and bye.